हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपने परिवा कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सोल एमबीए एडमिशन 2022, डीयू सोल में एमबीए का एडमिशन कैसे ले और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है और एडमिशन कैसे होगा, प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का, और कंप्लीट डिटेल मैं आपको दूंगा। फीस कितनी लगेगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, सोल एमबीए एडमिशन 2022 किस टाइप से इसमें एडमिशन होगा वो आप पहले देख लीजिए। तो अभी मेरे सामने एमबीए का प्रॉस्पेक्टस है। अगर मैं बात करूँ इस कोर्स की, तो ये 2 साल का कोर्स रहने वाला है, मतलब 2 साल आपको मिलेंगे कोर्स को करने के लिए मिनिमम। और मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ इस कोर्स की, तो 4 साल का कोर्स है, मतलब पीजी कोर्स है, तो टोटल आपको 4 साल मिलेंगे जिसमें 2 साल का कोर्स रहने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात बता दूं, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है, देखिए इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी जो सीट्स है वो लिमिटेड है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रहेगी वो 25 अक्टूबर रहेगी। 27 अक्टूबर को इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी और फिर इसकी जो मेरिट लिस्ट में जो फीस जमा होगी, जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनकी 27 से 31 अक्टूबर तक उनकी फ़ीस जमा होगी। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 1 नवंबर को, फिर 1 से 5 नंबर तक उनकी फ़ीस जाएगी। फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी 7 नवंबर को, फिर 7 से 11 तक उसकी फ़ीस जाएगी। और फिर उसके बाद अगर कोई सीट बचती है तो फिर एक स्पेशल सीट, मतलब एक स्पेशल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी अगर कोई सीट खाली रहती है तो 12 से 15 के बीच में। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं मिलेगा एमबीए के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं एडमिशन की, तो देखिए आपको 11 नवंबर तक का आपके पास टाइम है। अगर आप एक बार इसमें पैसे पे करते हो तो आपका जो चार्ज होगा 5,000 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कट के आपकी सारी फ़ीस रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा उसके बाद जब मॉपअप राउंड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपकी कोई भी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। मतलब कुल मिला के आपके पास 11 नवंबर तक का ही टाइम होगा अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हो तो। अब देखिए मीडियम क्या है इसमें, मीडियम सिर्फ इंग्लिश है, हिंदी मीडियम में आप एमबीए नहीं कर सकते, कोई बेनिफिट भी नहीं है। यानी मीडियम आपको इंग्लिश ही मिलेगा। 2 साल का कोर्स है मिनिमम और मैक्सिमम 4 साल का कोर्स है और इसे अप्रूवल मिल चुका है। AICTE DEV UGC अप्रूव है और सारा अप्रूवल इसे मिल चुका है। और इसमें जरा सेमेस्टर सिस्टम मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होंगे और सेकंड ईयर में थर्ड और फोर्थ, यानी 4 सेमेस्टर का एक पूरा कोर्स रहने वाला है। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ तो आपको दोनों को पास करना होगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे आप देख लीजिए। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, मैं कहूँगा हार्ड है, एमबीए इज़ हार्ड। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा मैं आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दूँ। इसमें जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। पहला जो एलिजिबिलिटी इसमें है वो आपकी ग्रेजुएशन 50% से कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 50% से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपका जो ग्रेजुएशन के जो नंबर रहेंगे वो 80% वेटेज आपका रहना चाहिए ग्रेजुएशन में, यानी 80% अगर वेटेज है ग्रेजुएशन के अंदर तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 50% अबव भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट वेटेज आपका 80% ही रहना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात ये कि हाईएस्ट स्कोर के आधार पर इसमें आपको एडमिशन मिलेगा जो भी आपके सब्जेक्ट हो। तो मेरिट लिस्ट किस टाइप से बनाएंगे वही जाने। ठीक है, 20% आपके कम हो जाएंगे, वेटेज कम हो जाएंगे अगर आप कहीं प्रोफेशनल वर्क करते हो, एक्सपीरियंस अगर आपको है किसी जैसे गवर्नमेंट कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो 20% कम हो जाएंगे, यानी फिर 60% का ही वेटेज जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा वेटेज का बता दिया है, अगर आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 20% का वेटेज कम हो जाएगा, अगर आपको 15% का 3 साल का एक्सपीरियंस तो 15% वेटेज हो जाएगा, 10% वेटेज पे आपको 2 साल का होना चाहिए और आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो 0, कोई वेटेज नहीं, 80% ही आपका लगेगा। ठीक है, कैंडिडेट को कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल वर्किंग कर रहा हो या उसे एक्सपीरियंस हो। ठीक है, बट मेरिट में आपका आएगा तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, सिंपल इन्होंने यही बोल दिया है। और अगर मैं बात करूँ बाकी, तो इसमें गवर्नमेंट वगैरह पब्लिक के लिए, क्योंकि ये तो मार्केटिंग में भी तो सभी को आपको पता ही होगा। ठीक है,
एडमिशन प्रोसीजर आप जरा आप जान लीजिए। देखिए इसमें जो टोटल एनुअल जो फीस लगेगी वो मैं आपको बता दूँ, टोटल जो फीस लगेगी इसमें वो लगेगी आपकी 47,500 रुपये प्रोग्राम फी एनुअल, यानी कि कुल मिला के बात ये कहो कि 47,500 में आपकी MBA होगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और इसमें डीप में जाते हैं, हाँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, रीसेंट फोटोग्राफ में सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्ट 10 मार्कशीट, आपका 12 मार्कशीट, सेल्फ अटेस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर आप एक्सपीरियंस है आपके अंदर उसका सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस लेटर अगर किसी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम करेंट एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉई हो तो एक NOC आपको देनी होगी ना, ठीक है, अगर आप 20% वेटेज कम करवाना चाहते हो। और अगर आप जैसे आप एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अगर आप SC ST से आते हो तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, ठीक है, जो भी चार्जेस हो कम कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सोल विल बी नॉट, ठीक है ठीक है, इस तो मतलब कुल मिला के बात ये तो हो गया। अब जरा मैं इस फीस आपको बता दी, ऑफिस टाइमिंग इसकी रहेगी 9 से 5:30, आप सोल में जाके कन्फर्म इसके कर सकते हो सैटरडे संडे, ठीक है। और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस भी मिलेगा, और बाकी फैसिलिटी क्या क्या दी जाएगी MBA वालों को, लैंडिंग सर्विस, रेफरेंस सर्विस, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। और उसके बाद बुक बैंक, आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा आपको, ठीक है। तो कुल मिला के ये सब रहने वाला है। तो इस टाइप से आपको रजिस्ट्रेशन करना है सोल MBA में, और 7 अक्टूबर से आपके जो इसमें रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। 3 कट ऑफ इसकी आएगी, 3 मेरिट आएगी, उसी के बिहाफ पे आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। 50% अबव आपके ग्रेजुएशन में नंबर होनी चाहिए, और 80% के वेटेज पर ही इसमें आपको मेरिट में नाम आएगा। तो कुल मिला के तो वही जाने कैसे बनाएंगे, बट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। तो ये था पूरा प्रोसीजर सोल MBA को लेकर। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।